कपड़े वपड़े धोने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग आपको यहाँ पर प्रॉपर वॉशिंग मशीन भी देते हैं। एक गर्मी का मौसम है तो कूलर तो बिल्कुल चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सफिशियंट लाइट मिलने वाला है, वो भी नेचुरल लाइट। क्वालिटी बढ़िया रहेगी, क्वांटिटी बढ़िया रहेगी, इसलिए ये लोग फूड लाइसेंस भी अपना रेडी करके रखे। न्यू है, एकदम चमचमाता हुआ आपको यहाँ पर रूम मिलने वाला है। ये चीज बहुत अच्छी लगी। बहुत लोग क्या करते हैं कि फ्लोर बाय फ्लोर बनाते चले जाते हैं लेकिन सुविधा देते नहीं है। मतलब हमको ना लग रहा है पर्सनली एक रूम हम भी यहाँ पर ले लें, ठीक है। हमको नहीं लगता है कि पटना में आपको कोई भी हॉस्टल मिलने वाली है जहाँ पर आपको लाइब्रेरी की भी सुविधा साथ में मिल जाएगी। हाँ जी, तो आपके लिए एक और हम एक अच्छी सी गर्ल्स हॉस्टल लेकर आ चुके हैं, ठीक है। अगर हॉस्टल के नाम की बात करें तो लोटस गर्ल्स हॉस्टल। अभी ये चमचमाती हुई तैयारी हुई है, ठीक है। कहाँ पर? पटना के आशियाना मोड़ के पास जो पिलर नंबर 35 है ना, वहाँ पर हम लोग ऊपर जाएंगे और जाकर पूरा रिव्यू आपको देंगे कि हॉस्टल कैसी है, क्या क्या सुविधाएं हैं। उससे पहले हेलो नमस्कार, मैं हूं सुकृति पांडे और मेरे चैनल सुकृति पांडे पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, ठीक है। ऊपर वाले फ्लोर से भी आपको एक बार ये लोकेशन हम दिखाएंगे, उससे पहले नीचे से भी आपको बता देते हैं। पिलर नंबर 35 जो हमारा है ना आशियाना मोड़ के पास, ठीक है, वहां से हमारा एक बीएमपी रोड जाता है, ठीक है। 4-10 कदम अंदर आओगे तो आपको ये बिल्डिंग मिलने वाला है। तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे और अंदर जाकर आपको फुली रिव्यू देने वाले। हॉस्टल में जाने से पहले आप लोग को बता दें कि यहाँ पर आपको एक बड़ी सी लाइब्रेरी मिल जाती है, ठीक है, जो कि आपको जल्दी किसी भी हॉस्टल में देखने को नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर आपको मिल रही है। तो जैसे होता है ना कि आप रूम में पढ़ रहे हो, बट रूम में पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ते तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको मिल जाएगी नीचे वाले फ्लोर पे। देखिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। यहाँ की अगर वाइब की बात की जाए ना, काफ़ी बेहतर है। हमको नहीं लगता है कि पटना में आपको कोई भी हॉस्टल मिलने वाली है जहाँ पर आपको लाइब्रेरी की भी सुविधा साथ में मिल जाएगी। आपको हर फ्लोर पे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे ही मिल जाएंगे, मतलब सेफ्टी को लेकर नो कॉम्प्रोमाइजेस। साथ में आपको फायर सेफ्टी भी मिल रहा है, मतलब ये लोग सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। हम लोग जैसे ही अंदर आते हैं, एक रूम आप ये देख सकते हैं, ठीक है, बेड वगैरह सब यहाँ पर लग रही है, क्योंकि जैसा कि आपको हम बता दें कि ये हॉस्टल अभी फुली तैयारी हुई है, ठीक है, तुरंत ही तैयार हुई है। तो कुछ रूम्स में अभी बेड वगैरह लग रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रूम है, अंदर आइए। सबसे पहले ये देखिए, एक आपको ये बड़ी सी एरिया यहाँ पर मिल जाती है, लॉबी एरिया कह लीजिए, डाइनिंग एरिया कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एक बड़ी सी एरिया यहाँ पर हॉल आपको मिल जाती है। और ये देखिए कि न्यू है, एकदम चमचमाता हुआ आपको यहाँ पर रूम मिलने वाला है। डबल बेडरूम है, साथ में आपको गद्दे भी मिल रहे हैं, ठीक है। एक स्टडी टेबल मिल जाएगा और चेयर यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक कूलर भी मिलेगा, क्योंकि अभी भाई गर्मी का मौसम है तो कूलर तो बिल्कुल चाहिए, ठीक है। तो ये मिलने वाला है। साथ में ये जो आप कबर्ड देख रहे हो ना, ये मत सोचो कि ये दोनों साथ में अटैच है, ये अलग अलग है, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट के लिए एक कबर्ड, एक स्टूडेंट के लिए एक कबर्ड, साथ में आपको ये चीज़ वगैरह भी मिलने वाली है। तो भाई ये बहुत बेहतर लगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक घर को छोड़कर दूसरे घर में आप लोग शिफ्ट हो गए। एक बार ये आपको इंक्वायरी यहाँ पर करने के लिए आना चाहिए, आप लोग आओगे ना, डेफिनेटली बोल रहे हैं आप बुक करके ही जाओगे। तो ये रूम तो आप देख लिए ना, चलिए आपको आगे भी हम कुछ कुछ दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें और आपको व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ एक फ्रिज भी लगी हुई है, तो बहुत ही सही वे में इसे बनाया गया। हॉस्टल बहुत बड़ा इन लोगों ने नहीं बनाया, जानबूझकर ये लोग क्या किए हैं कि फैसिलिटी अच्छा देने के लिए, क्वालिटी क्वांटिटी अच्छा देने के लिए ये लोग हॉस्टल को अभी ज्यादा बढ़ाए नहीं है, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छी लगी। बहुत लोग क्या करते हैं कि फ्लोर बाय फ्लोर बनाते चले जाते हैं लेकिन सुविधा देते नहीं है। ये रूम देखिए, यहाँ पर भी एक कबर्ड इस साइड लगी हुई है और एक कबर्ड इस साइड लगी हुई है, और ये भी डबल बेड है। मतलब भाई साहब सच्ची बता रहे हैं, एज अ स्टूडेंट अगर हम देखें ना, तो आपको एक अच्छी वाइब मिल जाती है। आपको वाइब इसलिए भी बोल रहे हैं ना, क्योंकि जिस भी हॉस्टल में हम देखें ना, ये टेंट अगर वाइट में की हुई है तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है ना, अट्रैक्ट करता है कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेहतर है। दिन में आपको लाइट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लाइक वो सब लाइट की बात कर रहे हैं, बल्ब वगैरह की, क्योंकि यहाँ पर आपको सफिशियंट लाइट मिलने वाला है, वो भी नेचुरल लाइट, तो ये काफ़ी बेहतर है। साथ में स्टडी टेबल आप देख सकते हो यहाँ पर, ये भी लगी हुई है, चेयर वगैरह। तो भाई साहब मतलब जितना तारीफ करें उतना कम है इनका। सब कुछ फैसिलिटी देखिए आप, ये बोर्ड वगैरह भी कितना खूबसूरत है, क्योंकि होता क्या है ना कि एक स्टूडेंट के लिए ना एक एक चीज़ मायने रखता है कि वो घर से यहाँ पर आकर रह रही हैं, तो ऐसा ना हो कि लाइक रह रहे तो कंजस्टेड जैसा फील आ रहा है, उठ रहे हैं सोकर या पढ़ाई कर रहे हैं तो फील हो रहा है कि भाई कहाँ पर हैं। नहीं, यहाँ पर आप जब अगर सोकर उठोगे ना, जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना, एनी टाइम पॉजिटिव वाइब आने वाला है। ये हो गया वॉशरूम। यहाँ पर आपको बता दें कि वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरह की आपको वॉशरूम मिलने वाली है, ठीक है। इस तरफ देखिए अटैच आपको बहुत सारे वॉशरूम मिलने वाले हैं, ठीक। एक इस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, और साथ में एक छोटा सा बेसिन आपको मिलने वाला है, तो फ्रेशन अप वगैरह होने के लिए काफी बेहतर है। एक चीज और आपको हम बता दें कि अब आपको लग रहा होगा कि मैम हम लोग ना ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी करते हैं तो नेट वेट मिल रहा है, तो सोचना क्या है। देखिए इस तरफ आपको वाईफाई भी प्रॉपर मिल जाती है, ये देखिए हाई स्पीड आपको वाईफाई भी मिल जाएगी,
तो पढ़ाई करने के लिए अगर आपको ऑनलाइन भी पढ़ाई वगैरह करना है तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल चमचमाती हुई हॉस्टल है, मतलब हमको ना लग रहा है पर्सनली एक रूम हम भी यहाँ पर ले लें, ठीक है। सच्ची बता रहे, बहुत अच्छी, मतलब लड़कियां हम आपको बोलने वाले, अगर आप यहाँ पर एक बार भी इंक्वायरी के लिए नहीं आए ना तो आप बहुत अच्छी चीज खो दोगे, हम सच्ची बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कैंट भी आपको मिल जाती है, सब कुछ नया नया है, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, आकर इंक्वायरी कर लीजिए, बार बार आपको बोल रहे हैं। अब हम लोग इधर आते हैं, आपको जैसा कि बोले थे कि वेस्टर्न और इंडियन यानी कि कमोड भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है वॉशरूम में, तो इस तरफ आपको एक कमोड एरिया मिल जाती है, एक छोटी सी बेसिंग और आपको मिल गई है इधर। और हाँ, कपड़े वपड़े धोने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग आपको यहाँ पर प्रॉपर वॉशिंग मशीन भी देते हैं। काफी कुछ मिल रहा है अभी, और आपको क्या चाहिए भाई साहब, ऐसा नहीं है कि इस बालकनी में आपको आना मना है, ये बालकनी भी आपको मिलती है, शाम में आप इस तरफ आ सकते हो, खड़े हो सकते हो, चाय वाय पी सकते हो। आप देख सकते हो वो आशियाना मोड है यानी कि पिलर नंबर 35 है, ठीक है, जो राजा बाजार वाला हमारे नीचे पूरा जाता है वो पुल, ठीक है, नीचे से 35 है। साथ ही साथ आप जैसे बीएमपी रोड में घुसोगे ना, ज्यादा नहीं 10-15 कदम आपको चलना है, आपके राइट साइड में आपको ये हॉस्टल मिलने वाला है, ठीक है। आपको लोकेशन प्रॉपर हम बता रहे हैं क्योंकि बिल्कुल मेन रोड पे, हम चाहते तो हम इतना नहीं भी बताते तो चलता, लेकिन फिर भी आपको बता दिए क्योंकि इस हॉस्टल में हम चाहते हैं कि आप एक बार इंक्वायरी के लिए जरूर आओ, क्योंकि इस हॉस्टल सच में हम प्रॉपर यहाँ पर रिव्यू लिए हैं, आए हैं, बहुत बेहतर है, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि LN और PW एकदम यहीं पर है, ठीक है, बगल में ही है, तो अगर यहाँ के कोई बच्चे हो तो उनके लिए तो और बेहतर होगा, लड़कियाँ यहाँ पर आकर शिफ्ट कर सकती हैं। देखिए हम लोग आ गए हैं अभी ऊपर में, ठीक है, और ऊपर का ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, जो अभी वर्क चल रहा है यहाँ पर, पूरी सफाई वगैरह चल रही है, ये पूरा का पूरा डाइनिंग एरिया रहेगा, ठीक है। तो कंपार्टमेंट वगैरह भी 2-3 ऊपर में रेडी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फूड का पूरा वर्क होगा, प्लस स्टाफ का भी वो रहने वगैरह का होता है ना, सब कुछ यहाँ पर बनने वाला, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये क्या है, तो ये है फूड लाइसेंस, ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम किसी हॉस्टल में हम देख रहे हैं। ये भैया हमको सामने से ला कर दिए हैं कि मैम आप ये भी बता दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई अपने बच्चों को रहने के लिए बाहर भेजते हैं ना तो उनके लिए मैटर करता है खाना, क्वालिटी बढ़िया रहेगी, क्वांटिटी बढ़िया रहेगी, इसलिए ये लोग फूड लाइसेंस भी अपना रेडी करके रखे। ये देख लीजिए हम लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए हैं, ठीक है, धूप बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये एक प्रॉपर ऐसी एरिया आपको मिल जाती है ना, जहां पर आप शाम में आकर थोड़ा बहुत चिल कर सकते हो, जैसे होता है ना शाम में थोड़ा हवा वगैरह ले लिए, चाय वाय पी लिए, नाश्ता कर लिए। नीचे भी एक आपको वहाँ पर फ्लोर मिल रही होगी, देखिए, और ये पूरा गार्डन एरिया ये लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ के ओनर बता रहे हैं कि मैम पूरा हम लोग यहाँ पर गार्डन एरिया की तैयारी कर रहे हैं ताकि बच्चों को ना थोड़ा बहुत होता है ना कि शाम में ऊपर आ गए, बैठ गए चेयर वगैरह पे। आशा करते हैं कि आपको ये हॉस्टल बिल्कुल अच्छी लगी होगी, बाकी आप लोग यहाँ पर आकर इंक्वायरी करो। अभी न्यू हॉस्टल बनी है और काफी कुछ यहाँ पर सुविधाएं ये लोग दे रहे हैं, देख सकते हैं, रूम में विंडो वगैरह भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ की डिटेल जितनी भी रहेगी डिस्क्रिप्शन में रहेगी, वहाँ से आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।